हेलो फ्रेंड्स, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो इशू था उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जो सेकंड पार्ट है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। जो पहले पार्ट में हमने पूरा का पूरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो बुनियादी ढांचा दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम उसको आगे से डिस्कस करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जब से संविधान बना है, जब से यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तब से ये एक डिबेट चली आ रही, एक विवाद का विषय बना है कि भाई जो संविधान के जो मेन मेन प्रावधान है, जो मेन मेन भाग है, उसमें संसद को, पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट बनी हुई है कि भाई जब से संविधान बना है तब से ये डिबेट चली आ रही है कि भाई जो मेन मेन प्रावधान है उसपे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, या कि इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन करके उन्हें बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, इसके ऊपर डिबेट चली आ रही। शुरुआती दिनों की बात किया जाए, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट थी, पूरी तरीके से जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट को यह अधिकार देकर रखा था कि वो किसी प्रकार के संविधान संशोधन को कर सकती है। उसके बहुत सारे कारण, उसके कारण में अगर बात किया जाए, उसके कारण की अगर बात की जाए तो उस टाइम की अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, उस टाइम की जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी आज के टाइम पे पावरफुल है। ज्यूडिशरी एक्टिविज्म उस टाइम पे नहीं आया था, न्यायिक सक्रियता उस टाइम पे नहीं आया था, तो उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। और उस टाइम के जो लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद या फिर जितने भी जो भी लीडर थे उस टाइम के जो पार्लियामेंट में थे, वो सब क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो सब आजादी के दिनों के फ्रीडम फाइटर थे। तो उनका पब्लिक से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था या उनका कद बहुत ज्यादा बड़ा था, तो एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बैकफुट में रखा था, बोला था कि भाई आप जिस टाइप का आप संविधान संशोधन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव माना गया, आपको पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, जो भी आप करते हो उसमें पब्लिक आपको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दिनों में बैकफुट में थी और जो पार्लियामेंट थी और जो गवर्नमेंट थी अब फुट में थी, वो सामने फ्रंट फुट में खेल रही थी। तो एक तरीके से उस टाइम की बात अलग थी कि संविधान संशोधन पूरी तरीके से हो जा रहा था। और इसके दो उदाहरण देखे जा सकते हैं, दो उदाहरण 1951 में और 1965 में, 1951 और 1965 में। 1951 में केस आया था संकरी प्रसाद केस, और 1965 में आया था सज्जन सिंह मामला। तो ये दो केस में देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की ज्यादा सुनी थी और संविधान संशोधन करने दिया था, जो भी पार्लियामेंट, जो भी गवर्नमेंट संशोधन करना चाहती थी वो संविधान संशोधन किया था। लेकिन उसके बाद सत्ताधारी दल, जब दूसरे सत्ताधारी दल आए थे 1965 के समथिंग, जब सत्ताधारी दलों ने संविधान संशोधन करना चाहा, तो उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संविधान संशोधन पर रोक लगाई थी। जैसे 1967 में गोलकनाथ मामला आया था, 1967 में गोलकनाथ मामले के तहत क्या कहा गया था, गोलकनाथ मामले के तहत कहा गया था कि सरकार जो है फंडामेंटल राइट पर संशोधन नहीं कर सकती। जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, जो नागरिकों को प्राप्त है, आप उस पर किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं कर सकते। कहा था कि सरकार फंडामेंटल राइट पर संशोधन नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई थी। किसके तहत? डीपीएसपी, जो डीपीएसपी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को फंडामेंटल राइट पे वरीयता दी गई थी।
यानी फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई थी डीपीएसपी पे। डीपीएसपी पे गरीबी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे, लेकिन फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई और बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट को आप नहीं बदल सकते, कि आप डीपीएसपी के आड़ में आप फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करें। गोलकनाथ मामले में बोला गया था ये संविधान संशोधन कौन कर सकती, केवल संवैधानिक सभा, संवैधानिक सभा कर सकती है संविधान संशोधन। तो फिर उसके बाद 1970 के प्रारंभिक दिनों में, 1970 के प्रारंभिक दिनों में उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी ने कुछ संविधान संशोधन किए थे 1970 के, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कुछ संविधान संशोधन किए थे, कौन कौन से किए थे, 24वां, 25वां संविधान संशोधन, 26वां एंड 29वां संविधान संशोधन किए थे। यानी ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए थे। ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा क्यों किए गए थे, ताकि कुछ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको बदला जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन कौन से निर्णय दिए गए थे, 24, 25, 26, 29 ये संविधान संशोधन किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, ताकि सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को बदला जा सके, जैसे आरसी कूपर जजमेंट थी, माधवराव सिंधिया जजमेंट थी, एंड थर्ड इज गोलकनाथ मामले की जजमेंट थी। ये तीन जजमेंट को के जो निर्णय थे उसको बदलने के लिए, ये कुछ संविधान संशोधन किए गए थे। आरसी कूपर में कहा गया था, आरसी कूपर में बैंकों के नेशनलाइजेशन से, ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उससे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ आरसी कूपर में जजमेंट दी गई थी। इसमें बैंक के नेशनलाइजेशन या कि राष्ट्रीयकरण के खिलाफ जजमेंट दी गई थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आरसी कूपर ने, आरसी कूपर जजमेंट में इसको पलट दिया गया था। बोला था बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा आरसी कूपर के जजमेंट में। इसके अलावा माधवराव सिंधिया जजमेंट में प्रिवी पर्स से रिलेटेड जजमेंट थे उसके खिलाफ। अब प्रिवी पर्स क्या था, अब जब देश जब आजाद हुआ था उसके टाइम पे हमारे यहां 552 देशी रियासतें थे। तो जब देशी रियासत थी तो उनको कहा गया था कि ठीक है, आप अपना जो भी आप राजा महाराजा उनके पद को आप छोड़ दीजिए, इसके साथ आपको जब आप पद छोड़ेंगे तो आपको भारत सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे, वो आपको एक तरीके से पेंशन आपकी होगी, वो प्रिवी पर्स के अंतर्गत आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो जब इंदिरा गांधी, जब गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की बनी, तो इंदिरा गांधी ने वो प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। बोला कि हम किसी प्रकार के राजा महाराजा को, रजवाड़ों को हम किसी प्रकार का पैसा नहीं देंगे। तो इसको लेके माधवराव सिंधिया केस हुआ था, जिसमें जो प्रिवी पर्स था जिसको समाप्त किया गया था उसके विरोध में जजमेंट थी। फिर उसके लिए 24वां, 25वां, 26वां, 29वां अमेंडमेंट किया गया था। इसके अलावा जो गोलकनाथ मामला क्या था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, कि जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट में किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं कर सकती। तो इसको लेकर फिर जजमेंट हुआ था। तो इस तरीके से तीन केसेस आए थे, इसको लेकर पूरी की पूरी जजमेंट थी। इस तरीके से हम देखेगा तीनों जजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद एक तरीके से देखें
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो जो मामला आया था उसमें 13 जज की पीठ थी, यानी 13 जज की बेंच थी। वो 13 जज की बेंच क्यों बैठी थी? 13 जज की बेंच इसलिए बैठी थी क्योंकि इससे पहले जो गोलकनाथ मामला आया था उसमें 11 जज की बेंच बैठ चुकी थी। तो अगर उस निर्णय को, उस वर्डिक्ट को अगर हमें ओवरसीट करना है, उसको बदलना है, तो हमें उससे बड़ी जज की बेंच लगानी पड़ेगी। तो 11 जज की बेंच लग चुकी थी, तो 13 जज की बेंच फिर लगी। यानी ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 जज की बेंच थी, जिसमें 7 और 6 की उससे कि 7 फेवर में थे और 6 अगेंस्ट में थे, इस तरीके का निर्णय आया था। अब ये पूरा का पूरा हम देख लेते हैं केशवानंद भारती केस क्या है। केशवानंद भारती केस क्या है? तो जो केशवानंद भारती है ये केरला के इडनिर नामक एक हिंदू मठ था, उसके एक केरला के इडनिर नाम का एक हिंदू मठ था। इसके प्रमुख थे या कि इसके प्रधान थे कौन थे? केशवानंद भारती थे इस मठ को चलाने वाले। यानी केरला में एक इडनिर नाम का हिंदू मठ था, उसके प्रमुख कौन थे? केशवानंद भारती। अब क्या केरला गवर्नमेंट ने कुछ भूमि सुधार कानून बनाए जिसके तहत ये मठ की जो मैनेजमेंट था, मठ की प्रबंधन पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। यानी जो मठ का जो प्रबंधन था उस पर कई तरह की पाबंदी लगा दी थी केरला गवर्नमेंट ने। अब जब मठ के प्रबंधन पर कई तरह की पाबंदी लगा दी, मठ के मैनेजमेंट पर कई तरह की पाबंदी लगा दी, तो जो केशवानंद थे वो फिर कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाना, यानी कोर्ट में सिर्फ उन्हें केरला गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़ा होना था, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़ा होना था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन थी? इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी केशवानंद भारती को काम करना पड़ा था। अब केशवानंद भारती का तर्क क्या था? केशवानंद भारती ने आर्टिकल 26 का तर्क दिया, भारत के संविधान के आर्टिकल 26। इसमें कहना था कि भारत के नागरिक को धर्म या कर्म के लिए, जो भारत के नागरिक है, जो इंडियन सिटीजन हैं, वो धर्म या कर्म के लिए कोई भी संस्था बना सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी उसे मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए चल या अचल संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में भारत के नागरिक को कोई धर्म या कर्म के लिए संस्था बनाने या उसका प्रबंधन करने या उसके लिए चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 26 में बोला था कि भारत के नागरिक को कोई धर्म या कर्म के लिए संस्था बना सकता है, कोई भी धर्म या कर्म के लिए वो इंस्टीट्यूशन बना सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है, किसी भी प्रकार का मठ बना सकता है, वो कुछ भी संस्था वहां पे खोल सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, यानी उसे पूरी तरह से मैनेज कर सकता है, उसके मैनेज पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही किसी भी अन्य बॉडी की तरफ से, या उससे रिलेटेड चल अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है। चल अचल संपत्ति मतलब जो स्थिर है और जो अस्थिर संपत्ति है ना, यानी कोई प्रॉपर्टी भी प्राप्त कर सकता है, कोई लैंड भी प्राप्त कर सकता है, और किसी भी प्रकार की पैसे को भी वो प्राप्त कर सकता है। ये आर्टिकल 26 में लिखा है और ये भारत के हर नागरिक को अधिकार है। केशवानंद भारती ने इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में बोला। उसके बाद जो हुआ था,
कि भाई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आया। तो केशवानंद भारती से ही बेसिक स्ट्रक्चर जो आज तक चला आ रहा है, यानी 1973 से जब से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था, मामला आया था 1973 से आज तक, यानी 2020 तक, 2020 तक, अभी तक ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो बुनियादी ढांचा था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात को आज भी अहमियत दी जाती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात को आज भी अहमियत दी जाती है, हालांकि कई आलोचक, हालांकि कई जो क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचकों का कहना है कि भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। उनका कहना है बेसिक स्ट्रक्चर जो गैर प्रजातांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन को खारिज कर सके, यानी संविधान संशोधन ना माने ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार ही नहीं है। अब ये ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उन्हें अधिकार है कि किसी प्रकार के भी संविधान संशोधन को पब्लिक की आज की नीड के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से वो संविधान संशोधन कर सके। तो आलोचकों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अगर रोक लगाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है या गैर प्रजातांत्रिक है। वही जो इसका सपोर्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, उनका कहना कि भाई ये सही है, बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए सही क्योंकि इससे सरकार की तानाशाही पर रोक लगाई है, सरकार की जो तानाशाही है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाया जा सकता है, जो सरकार की डिक्टेटरशिप है पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई सपोर्टर का कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ठीक है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जहां भी गवर्नमेंट अपना क्या बहुत ज्यादा अपना पावर का यूज कर रही है, क्योंकि मेजोरिटी में तो पार्लियामेंट से तो उसके कोई भी बिल पास हो जाएंगे लोकसभा से, और राज्यसभा में भी अगर मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट में कोई भी वो ऐसा बिल पास कर सकती है जिसके तहत पब्लिक के लिए वो सही ना रहे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर रोक लगा सकती है, यानी जो गवर्नमेंट की है डिक्टेटरशिप को रोक लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के पूरे इशू को समझा। तो ये जो हमारे टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।